अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुमैराज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे आलू की सब्जी, क्योंकि आलू हर घर में सबसे ज़्यादा पकाई जाने वाली सब्जी है, तो इसके पकाने के तरीके भी बहुत अलग अलग होने चाहिए। तो चलिए आप एक ओवरलुक ले लीजिए कि यहाँ पे हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे बॉइल्ड आलू लिए हैं, जिनको आप समझ लें कि मैंने 80% बॉइल किया हुआ है, और जो 20% है वो हम ग्रेवी में इसको जो है वो कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, 3 टमाटर की प्यूरी है, मसाला जात मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, 2 लेमन जूस हैं, और इसके साथ 3 हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे ली हैं। और बिल्कुल सादा से मसाले हैं, ज़ीरा है, नमक है, लाल मिर्च है, सूखा धनिया पाउडर है, और हल्दी है। ठीक है जी, तो ये सब आप देख लें। हाफ हाफ टी स्पून के हिसाब से मैंने क्वांटिटी रखी हुई है, और जो टमाटर है उसको आप पेस्ट बना लीजिए पील करके। तो यहाँ पे मैंने 2 जो है वो स्मॉल साइज़ के अनियंस जो है उसको ऑमलेट की तरह से चॉप किया है, और बहुत ही थोड़े से ऑयल में यहाँ पे मैं इसको सौते करूँगी। इसको आप इस तरह से ब्राउन कर लीजिए, हल्का हल्का सा गोल्डन कर लीजिए। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन का डाल रही हूँ। जो अदरक होता है वो जो बादीपन होता है आलू का वो ख़त्म कर देता है, तो मस्ट यूज़ किया करें आप इसमें। और जैसे ही ये अदरक लहसुन के साथ तैयार हो जाता है पक के, तो यहाँ पे हम टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटर की प्यूरी को आप साथ साथ भूनेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे, और क्योंकि मैं नॉनस्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत इसमें नहीं है। इसे अच्छी तरह से हम अब बनाएंगे कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, और अभी इसमें मैंने कोई मसाले नहीं डाले हैं, एज़ यू कैन सी। तो अब मैं यहाँ पे सारे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट है, ज़ीरा है, और जो आपकी रेड चिली जो है वो, जो आपके पेपरकॉर्न्स होते हैं वो मैंने डाली है, और वो आप देख सकते हैं। ये सारी स्पाइसेस आप ऐड करके इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो हमारे 80% बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और आप इसको जो है वो आप इसमें कुछ देर में इसमें पकाऊँगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो आलूओं के अंदर बहुत अच्छे से ऐड हो जाए। तो इसमें तकरीबन जो है वो आप समझ लीजिए 1/4 कप जो है वो हम पानी का ऐड कर रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं ये मैंने उतना ही पानी डाला है जितनी ग्रेवी में मेरे जो आलू की परसेंटेज रह गई थी अनकुक की, वो ज़रा अच्छे से पक जाएँ, गल जाएँ अच्छे से। तो आप इसके लिड को जो है वो कवर कर लेंगे, और आपको ग्लास में से नज़र आएगा कि जो है वो ग्रेवी बिल्कुल तैयार है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी से बनने वाले आपके बहुत ही मज़ेदार चटपटे से आलू बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और जो बिल्कुल फाइनल टचेस होते हैं जो मैंने आपको लेमन जूस बताया था वो अभी हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने चिलीज़ जो हैं वो मैं डाल रही हूँ, और इनको मैंने सिर्फ एक जो है लेंथ वाइज कट लगा लिया हुआ है ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं आए लेकिन फ्लेवर ज़रूर आ जाए। हरी मिर्चें आप डाल दीजिए, और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो और ग्रीन के साथ कलर वैसे ही बहुत ज़्यादा आई कैचिंग लग रहा है। और अब मैं यहाँ पे इस पे लास्ट में लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, जो इसको बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर दे देगा। लेमन जूस आप ऐड कीजिए, थोड़ा सा मिक्स कीजिए, और ये ऑलमोस्ट डन है। आलू सबको बहुत पसंद होते हैं, लेकिन एक ही तरह से पकाने पर जो है वो बोर भी हो जाते हैं लोग इससे, तो आप इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से बनाइए। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा मज़ीद ग्रीन ऐड किया है, कोरिएंडर मैंने डाल दिया है, धनिया धो के अच्छे से आप उसे बारीक चॉप कर लें, और इसके ऊपर से आप इसको स्प्रिंकल कर दें। तो ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन के साथ रेड रेड सी एक ग्रेवी है, बहुत ही कलरफुल सही। और इसके ऊपर मैंने गरम मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर लिया है, जो कि बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ इंजॉय कीजिए, घर की रोटी के साथ इंजॉय कीजिए, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। गिव इट अ ट्राई एंड गिव मी फीडबैक, आपको कैसा लगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।